सो थंबनेल देख के तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोग के साथ कौन सा मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ माय मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर साई स्टाइल, उनका एक इंस्पायर मेकअप लुक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट तो उनके तरह नहीं हुआ है मेरे पास, ना ही वैसा ज्वेलरी एंड ड्रेस है, जो भी है मैं उसको यूज़ करके ट्राई की हूँ करने के लिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फेस में मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का वाइन मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। तो उन्होंने सबसे पहले गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल यूज़ किया था, तो अभी मेरे पास वो नहीं है, ख़त्म हो गया, तो मैं डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ और इसको फेस पे अच्छे से लगा के मसाज कर लूँगी एंड कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सेम वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर जो उन्होंने यूज़ किया था। इसका जो भी शेड है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा एंड इसको अपने आईलिड के ऊपर अप्लाई करके एक स्पंज के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं आई मेकअप करूँगी और उसको सेट कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर से। सो मेरे पास जो भी उन्होंने प्रोडक्ट्स थे मैं उसी को यूज़ करके कर रही हूँ। देन सबसे पहले मैंने ये वाला शेड लिया है कि स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट से और इसको मैं एज़ ए यू नो ट्रांजिशन सेट अप्लाई करूँगी। इन्होंने इस टाइप का ही कुछ कलर पिक किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट कलर तो यू नो मेरे पास नहीं है तो मैं उसी के हिसाब से ले रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है एक यू नो लाइट पिंक कलर का शेड और इसको मैं ओनली मेरा क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, जैसे मैं उनका वीडियो में देखी थी, और इसको भी फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। बहुत ही हल्का सा उन्होंने इसको अप्लाई किया है एंड उसको थोड़ा सा कलर को इंटेंसिफाई दिखाने के लिए मैंने फिर से और थोड़ा सा कलर यूज़ किया है। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ एक डार्क ब्राउन वाला शेड। तो उन्होंने जो शेड लगाया था वो बहुत ज़्यादा उन्होंने डार्क ब्राउन कलर था, तो वो एग्जैक्ट कलर मेरे पास नहीं था तो मैंने इसलिए इसको यूज़ किया है। और इसी के साथ मैंने हल्का सा ब्लैक कलर भी यूज़ किया है, बहुत ही हल्का सा, ताकि ये उसी कलर में आ जाए। एंड इसको सिर्फ मेरा आउटर कॉर्नर में अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद मैं हाफ कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ सेम वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर को यूज़ करके और इसको एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। एंड देन वो कंसीलर को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट से। उसके बाद मैंने सेम स्विस ब्यूटी का आई शेडो यूज़ किया है सिल्वर कलर में जो उन्होंने यूज़ किया था, ये मेरे पास था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प हुआ। उसके बाद सेम गोल्डन कलर का ही ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का जो मेटालिक आई शेडो होता है, उसको सेंटर ऑफ द आईलिड पे बहुत ही हल्का सा अप्लाई की हूँ एंड देन सारे आई शेडोज़ को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ। उसके बाद मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ पर्पल का मस्कारा और इसको मैं अपर लैशेस पे पहले अप्लाई करूँगी एंड बाद में मेरा लोअर लैशेस पे अप्लाई करूँगी और मैं ऑफ कैमरा फॉल्स आईलैशेस भी लगा ली हूँ। आप करेंगे फेस मेकअप तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है स्टेक वर्की का फास्ट फेस प्राइमर ऑयल, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरा चैनल पे है, इसका रिव्यू है मेरा चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऊपर भी दिख जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है गाइस, यू नो बहुत ही ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ड्राई टू नॉर्मल स्किन वालों के लिए। तो इसको फेस पर अच्छे से बस वन ड्रॉप ही मैं ली हूँ और लगा के छोड़ती हूँ। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ सेम कंसीलर मेरा आईज़ के नीचे थोड़ा सा माउथ के अराउंड लगा के इसको एक स्पंज के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। एंड देन स्टार्ट करेंगे हम फेस मेकअप। तो सबसे पहले मैंने लिया है
वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन इन दी सेड गोल्डन बीच, तो मैंने बहुत ही हल्का सा यूज़ किया है फेस एंड नेक पे, इसको अच्छे से लगा के एंड देन स्पंज के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली जो है हमारा फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है वो प्राइमर ऑयल के वजह से। आप डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगी। और उन्होंने एक फेस इल्यूमिनेटर टाइप कुछ लगाया था, तो फाउंडेशन लगाने से पहले तो मुझे याद नहीं था, उसके बाद याद आया तो मैं उसी के ऊपर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर, ये भी बहुत ही अच्छा है। एंड देन पूरा फेस को सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से, सेम एबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने यूज़ किया है। तो मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किया है उसके लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। एंड एक बार बेस मेकअप हो गया, मैं इसको सेट कर रही हूँ किस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे से। एंड देन मेरा लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ जो ब्राउन एंड ब्लैक कलर को मिक्स करके। एंड इनर कॉर्नर पे सेम जो मेटालिक आई शेडो है उसको यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर में। एंड देन काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ स्टे क्वर्की का काजल, उसके बाद मैं आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। तो उन्होंने बहुत ही थिन सा एक बहुत ही थिन एंड बहुत ही छोटा सा विंग क्रिएट किया था, तो मैं भी उसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एनवर बे का आईलाइनर यूज़ किया है। और लास्टली मैं यूज़ कर रही हूँ लोअर लैशेस पे मस्कारा, सेम पर्पल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। तो ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्लश। तो उन्होंने जो ब्लश यूज़ किया था वो हल्का हल्का ग्लो भी प्रोवाइड कर रहा था, तो इसीलिए मैं सोची कि वेट एंड वाइल्ड का ब्लश ही ठीक रहेगा, क्योंकि वेट एंड वाइल्ड का ब्लश में भी थोड़ा सा सीमा पार्टिकल है जो आपका फेस को हल्का हल्का ग्लोई भी दिखाता है। एंड देन पूरा फेस को अच्छे से कॉन्टर कर रही हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्टरिंग नहीं किया था, इसलिए मैंने भी बहुत ही हल्का सा कॉन्टरिंग किया है। सो गाइस, आप सबको ही मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि मैं कितना परसेंट उनके तरह मेकअप कर पाई हूँ, मेरा मेकअप और उनका मेकअप कितना परसेंट तक सेम लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की हूँ कि वैसा एग्जैक्ट मेकअप कर पाऊँ, बट वो तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी देखते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, हाइलाइटर के लिए सेम एसएफआर का हाइलाइटर पैलेट यूज़ किया है मैंने, नोज पे, फोरहेड पे, चिन पे, सब जगह पे मैंने अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई किया है। और फिर से मैं सेटिंग स्प्रे लगा ली हूँ और इसको स्पंज के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड देन मैंने लिया है सेम आई शेडो से वो ब्राउन वाला शेड और इसको मैं मेरा ब्राउज को फिल कर रही हूँ। तो उन्होंने आईब्रोज को बहुत ही हल्का सा शेप दिया था, बिल्कुल नेचुरल शेप, तो मैं भी वैसे ही हल्का सा फील कर रही हूँ अपने आईब्रोज को। एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है डार्लिंग इजाबेला का लिपस्टिक। तो ये बिल्कुल तो रेड कलर नहीं है जैसे उन्होंने अप्लाई किया था, ये थोड़ा सा ऑरेंज टिंट है इसमें, रेड एंड ऑरेंज का मिक्स कलर है, तो उसी को मैंने यूज़ किया है। मेरे पास वो सेम एग्जैक्ट रेड कलर नहीं था इस वजह से। एंड गाइस, दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक। आई होप गाइस आप लोग को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मैं मिलूँगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।